हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड बी सेफ, स्टे एट होम। सो आज हम लोग पार्ट थर्ड सॉल्यूशन का पढ़ेंगे। सो पार्ट थर्ड हम लोगों ने लास्ट में सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर, जनरल इंट्रोडक्शंस, टाइप्स, कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में, लिक्विड के बारे में, हेनरीज लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, दिस इज वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। तो ये हमें आज डिस्कस करना है। तो स्टार्ट वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था, हम लोगों ने जो सॉल्यूशंस पढ़े हैं, हमने पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड। अभी हम लोग जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, दिस इज लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और हम इसी से वेपर प्रेशर को भी स्टडी करेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम इसको एक इमेज से समझते हैं। वेपर प्रेशर को हम हमने एक थर्मोस्टेट लिया। थर्मोस्टेट एक टाइप का कंटेनर है जिसमें कि टेम्परेचर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता। दिस इज थर्मोस्टेट, जिसमें कि हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया है। ये हमने सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर दिस इज द सॉल्यूशन और ऊपर इसकी वेपर है। यहाँ पर हमने मैनोमीटर लगाया हुआ है जो कि हमारे वेपर प्रेशर को मीज़र करेगा, प्रेशर को मीज़र करने का काम करेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसमें इस सॉल्यूशन को हमने ले रखा है, तो इस सॉल्यूशन से कुछ अमाउंट में वेपर बनेगी। तो ये जो वेपर है, ये ऊपर प्रेजेंट है, नीचे हमारा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से ऊपर वेपर बन रही है, यहाँ पर जो वेपर बनती हैं, जो भी वेपर्स हमारी बन रही है, ये जो वेपर्स हैं, ये कुछ टाइम के बाद कंडेंस होके वापस से क्या बनाएंगी, लिक्विड बनाएंगी। दीज वेपर विल अगेन फॉर्म द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो रही है हमारी साथ साथ, एक हो रहा है इवेपोरेशन, एक हो रहा है इवेपोरेशन और दूसरा हो रहा है कंडेंसेशन। तो दो प्रोसेस हमारी साथ साथ इसमें चल रही हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे के बराबर होगा। तो उस टाइम पर जो भी प्रेशर होगा वेपर का, जो भी प्रेशर्स लगाएंगी वेपर्स, उसको हम कहेंगे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन, कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशन, इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब हमारी जो वेपर्स हैं, वो जो भी वेपर प्रेशर लगा रही है, किस टाइम पर, जब वो वेपर्स लिक्विड के साथ सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में, ठीक है। या हम कहेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट इक्विलिब्रियम, वो हमारा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है, इसका नेचर। देखो, नेचर किस तरीके से अफेक्ट करेगा, हम कहेंगे कि अगर हमारा जो लिक्विड है, हमारा जो लिक्विड है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीक हैं, तो इनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से ये ज़्यादा इजीली मूव कर पाएंगे
और सॉल्यूशन को इजीली एस्केप कर पाएंगे। तो एस्केप कर पाएंगे, वेपर्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, और अगर वेपर्स का अमाउंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि वीकर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन्स ग्रेटर वेपर प्रेशर। दूसरा आ जाता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होता है? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी से बढ़ने से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा और वो इजीली सरफेस को लीव करेंगे, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, वेपर्स ज़्यादा बनने से वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये तो हमारे हो गए कुछ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। अब इसके बाद हम देखेंगे वेपर प्रेशर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, या राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशन, हमने दो तरह के सॉल्यूशन देखे थे, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है, वोलाटाइल सॉल्यूट्स के लिए ये जो लॉ था, राउल्स लॉ, एक फ्रेंच केमिस्ट थे FM राउल, जिन्होंने 1886 में एक लॉ दिया था जिसको राउल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब हमने जो डायग्राम देखा था, जिस डायग्राम में हम कह रहे थे दैट कि इस सॉल्यूशन में जो भी वेपर्स बन रही हैं, यहाँ पर ये जो वेपर्स होती हैं इनकी वैल्यू इस सॉल्यूशन में, जो भी इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है इसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है, या इसमें जो सॉल्वेंट है इसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है, यानी कि जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इनके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है। तो इसी चीज़ को राउल्ट एक्सप्लेन करता है अपने लॉ से। राउल्ट ने क्या कहा, राउल्ट कहता है किसी भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का, वो बराबर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके वेपर प्रेशर से इन प्योर स्टेट। मींस क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है ये इक्वल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, और वो जो कंपोनेंट है प्योर स्टेट में जब होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने माना कि सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कम्प्लीटली मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स ए और बी है, और जिनका मोल फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली ए एंड बी है, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए और पी बी है सॉल्यूशन में, लेकिन प्योर स्टेट में पी ए नॉट और पी बी नॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो भी कंपोनेंट है ए और बी, जब ये प्योर स्टेट में थे तो ए का वेपर प्रेशर पी ए नॉट, बी का वेपर प्रेशर था पी बी नॉट, लेकिन जब इन दोनों को आपस में हमने मिला दिया तो इन दोनों को मिलाने पर अब इसका वेपर प्रेशर हो गया पी ए और बी का वेपर प्रेशर हो गया पी बी सॉल्यूशन, और इन दोनों का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और एक्स बी। अब राउल्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट एंड पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट। पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ठीक है, अब लास्ट ईयर हम लोगों ने डॉल्टन्स लॉ पढ़ा था, तो डॉल्टन्स लॉ क्या कहता है दैट पी इक्वल्स टू जो भी हमारा टोटल प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट में प्रेजेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के प्रेशर के बराबर होता है। तो पी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी
इन दोनों की वैल्यू रखेंगे। अब हमें पता है a प्लस एक्स बी इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर वन एक्स बी इक्वल्स टू वन माइनस एक्स ए, तो इस वैल्यू को एक्स ए की जगह वन माइनस एक्स बी रख दिया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें ये मिल गया, ठीक है। ये भी राउल्ट्स लॉ की फॉर्म है, ये भी राउल्ट्स लॉ की फॉर्म है। अब अगर हम मानते हैं कि सपोज किसी प्योर कंपोनेंट में जिसमें एक्स ए इक्वल्स टू वन है, एक्स ए हमारा वन है, तो एक्स ए वन होगा, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन पी विल बी पी नॉट ए, या अगर एक्स बी वन है तो पी विल बी पी नॉट बी, ठीक है। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि ये डायग्राम गिवन है हमको। तो इस डायग्राम में देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक ग्राफ दिया है, इसमें हमने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ खींचा है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो इस ये हमारे वोलाटाइल कंपोनेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर देखो हमने माना कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या है हमारा जो एक्स ए है, यानी पे यानी कि यहाँ पर ए के मोल फ्रैक्शन वन है और एक्स पे ज़ीरो है, तो इसके लिए पार्शियल जो भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर होगा वो ए की वजह से होगा, तो पार्शियल प्रेशर हो गया पी ए नॉट। अभी हमारे यहाँ पे प्योर कंपोनेंट है, ए ही प्रेजेंट है सिर्फ। दूसरी तरफ इस साइड हमने जो लाइन दिखाई उसमें हमने कहा कि हमारा सिर्फ बी कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो एक्स बी इक्वल्स टू वन हो जाएगा, इसके लिए वेपर प्रेशर हो जाएगा हमारा पी बी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद देखो हमने कहा कि जब हमने ए और बी को मिला दिया, ए और बी को हमने मिलाया, तो क्या होगा, हमने कहा कि ए से बी में जाने पर ए का जो पार्शियल प्रेशर है इट इज़ डिक्रीजिंग, और बी का जो पार्शियल प्रेशर है कमिंग दिस साइड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जहाँ पर भी जो वैल्यू होगी कहीं पर भी ले लो, ठीक है, तो पी वी की वैल्यू हम इस चार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो दोनों लाइन है जो पी ए नॉट और पी वी नॉट को जॉइन कर रही है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, पी वी रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ पी इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर ए को हमने नीचे ड्रॉ किया है, बी को हमने ऊपर ड्रॉ किया, इसका मतलब ये है कि बी इज मोर वोलाटाइल देन ए, बी कंपोनेंट हमारा ज़्यादा वोलाटाइल है, इसीलिए इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ए हमारा कम वोलाटाइल है इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर कम है। तो यहाँ पर ये ग्राफ इसको एक्सप्लेन करता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ये जो हमने अभी पार्शियल प्रेशर निकाला था, यहाँ पे जो हमने पार्शियल प्रेशर निकाला था, दिस पार्शियल प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन, ये हमारा किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए था। एक्स ए सॉल्यूशन में कंपोनेंट थे, वो मोल फ्रैक्शन थे सॉल्यूशन में। अगर हमें वहीं पर वेपर फेज में निकालना है, वेपर फेज में, तो हम मान लेते हैं सपोज वाई ए और वाई ई कंपोनेंट ए और बी के मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, ठीक है, ए और बी के मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला आता है, दिस इज वाई ए दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, दिस इज पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी या पी ए अपॉन पी टोटल। सिमिलरली या हम इसको लिख सकते हैं पी ए इक्वल्स टू वाई ए प
पी इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल या पी बी इक्वल्स टू वाई बी पी टोटल। ये हमारा वेपर प्रेशर है बी का इन वेपर फेस। ये किस में है? वेपर फेस में है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आती हैं कि राउल्स लॉ कब कब एप्लीकेबल होगा फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो ये एप्लीकेबल होगा तब जब सॉल्यूशन में केवल दो कंपोनेंट्स है। अगर सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे तभी ये राउल्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो गए तो ये राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड ऑल्सो दे शुड बी मिसिबल। अगर ये मिसिबल नहीं होंगे कम्प्लीटली तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हम कहते हैं कि वो लिक्विड पेयर्स जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे बेंजीन, टॉलवीन, बेंजीन एंड टॉलवीन, हेक्सेन एंड हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। दीज आर सम एग्जांपल्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, सॉलिड्स एंड लिक्विड को देखते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अभी तक हमने जो सॉल्यूट्स देखे थे वो कैसे थे हमारे? वोलेटाइल सॉल्यूट्स थे। अब हम देखेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स जो कि हमारे सॉलिड सॉल्यूट्स होते हैं ये वेपर प्रेशर को कम कर देते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर को कम करेंगे किस तरीके से ये हमें देखना है कि जो सॉलिड जो हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं सॉलिड सॉल्यूट्स हैं वो वेपर प्रेशर को किस तरीके से कम करेंगे। सो वी विल एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ वन डायग्राम व्हिच इज गिवन हियर। यहाँ पर दो बेल जार दिए हुए, दो बेल जार हमको गिवन है। इसमें देखो जो बेल जार गिवन है फर्स्ट वाला, इसमें हमारा सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये इसकी सरफेस है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके वेपर बना रहे हैं और यहाँ पे वेपर बन रही है विच इज़ अगेन कंडेंसिंग बैक। और ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ रही है। इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी प्रेशर लगेगा दिस प्रेशर इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट, ठीक। दूसरे वाले सॉल्यूशन में हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स बना दिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है जो वेपर फेज में नहीं बदलते या इजीली नहीं बदलते, उनको नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स है अगर हम उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सरफेस पे भी आएंगे। और अगर ये सरफेस पर आते हैं तो जो इवेपोरेशन की प्रोसेस थी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो वेपर्स हमारी कम बनेंगी। और अगर वेपर्स कम बनेंगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन भी कम होगा और जो इक्विलिब्रियम है वो लेट स्टेबलाइज होगा या स्टेबलाइज जब भी हो रहा है। वेपर्स कम होने की वजह से जो भी प्रेशर वेपर लगाएंगी वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कहेंगे, एज वी एड द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट टू द सॉल्यूशन देन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड ड्यू टू दिस रीजन evaporation also decreases and due to this reason the vapor pressure of the vapor pressure of the solution decreases, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। तो हम इसको राउल्स लॉ से कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो राउल्स लॉ से हम ये कहेंगे कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का इट इज़ इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर
ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्वेंट है इट इज़ वोलाटाइल बट सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, तो इसकी वेपर्स तो बनेंगी नहीं, इसकी वेपर्स नहीं बनेंगे तो इसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, तो जो हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, ना कि सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं PS means वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट मतलब X1 अपॉन P0 या PS equals to X1। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, इसी से हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि N2 मोल्स है हमारे सॉल्यूट के और N1 मोल्स है सॉल्वेंट के, तो हमारा जो N1 जो हमारा मोल फ्रैक्शन है इट इज़ N1 अपॉन N2। अब इक्वेशन 5 को हम रीअरेंज करते हैं तो ये मिल जाता है हमको, ठीक है, PS अपॉन P0 इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। PS क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P0 के वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, N1 मोल फ्रैक्शन मोल्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और N2 के मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको आगे रीअरेंज करते हैं, यहाँ पर हमने PS अपॉन P0 लिखा था, दोनों तरफ हम 1 से माइनस कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ को। अगेन इसको सॉल्व किया तो अगेन इसको सॉल्व करने पे हमने ये लिया, ठीक है, यहाँ पर P0 माइनस PS मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा इट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन अपॉन प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना दिस इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। N2 अपॉन N1 प्लस N2 विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बाय दिस रिलेशन वी कैन से दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सो दिस इज द लाउल्स लॉ। यहाँ पर देखो इसको एक डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है, हमने यहाँ पर ग्राफ खींचा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन के बीच में। तो देखो जब इसका जो मोल फ्रैक्शन था वो बहुत कम था तो वेपर प्रेशर भी क्या है, कम है, जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है इसका वेपर प्रेशर भी उसी ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है, और ये जहाँ पर इसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ गई दिस इज़ वन, तो ये जो वैल्यू हमें मिली दैट इज़ P0, दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन फॉर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन फॉर द प्योर सॉल्वेंट। अब ये तो था हमारा राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पर जो हमने दो बहुत इम्पोर्टेंट लॉस पढ़े हैं अभी तक, राउल्स लॉ और हेनरी लॉ, अब इन दोनों को हम देखते हैं। इसमें हम कहते हैं राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो इन दोनों को जब हम देखते हैं तो अभी तक हमने देखा दैट राउल्स लॉ क्या कहता है,
पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ लिख सकते हैं पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। हेनरीज लॉ भी सेम था हमारा, पी ए इक्वल्स टू के एच एक्स ए या पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो यहाँ पर दोनों ही सिमिलर हैं एक दूसरे के। राउंड लॉ किसके लिए है? राउंड लॉ है लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए या फिर लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉलिड के लिए। हेनरी लॉ हमने लिया था फॉर लिक्विड इन गैसेस, सॉरी गैसेस इन लिक्विड, और ये हमने लिया था सॉलिड्स इन लिक्विड या लिक्विड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, तो ये जो दोनों लॉज हैं इन दोनों में देखो सिमिलैरिटी क्या आ जाती है। अब इन दोनों की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों लॉज ही आइडेंटिकल है, बट इसमें क्या है, हेनरीज लॉ में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दिस इज के एच, जिसको हम हेनरीज लॉ कहते हैं, और यहाँ पर पी नॉट है विच इज वेपर प्रेशर फॉर द प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डिफरेंस है। देखो ये है कि जो सॉल्यूशंस राउंड्स लॉ फॉलो करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हेनरी लॉ भी वो भी करते हैं कुछ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सॉल्यूट हेनरी लॉ वो भी कर रहा है और सॉल्वेंट राउल्स लॉ भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, इसका रिवर्स नहीं हो सकता। अब इन दोनों की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी की जब बात की जाती है तो सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी में ये होता है कि देखो जब सिमिलैरिटी को देखते हैं तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स पे अप्लाई होते हैं। दूसरा, दोनों ही जो दोनों का वेपर प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जब हम डिससिमिलैरिटी की बात करते हैं तो डिससिमिलैरिटी में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में डिफरेंस आता है। ठीक है, दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ये इस बार के सीबीएसई के एग्जाम में भी पूछा गया था दैट हाउ राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। सो सेम चीज़ यहाँ पे बतानी थी, यही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको। सो ये हमारा राउल्स लॉ था जो अभी हमने डिस्कस किया। राउल्स लॉ क्या था, वेपर प्रेशर पढ़ा हमने, राउल्स लॉ देखा, ठीक है, फॉर वोलाटाइल एंड फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन भी देख लिया, इसको हमने डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपके, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है दैट वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, जो दो कंपोनेंट है वो तो ये दोनों हो गए हमारे, इन दोनों का वेपर प्रेशर हमको गिवन है। अब हमसे पूछा गया गया है हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ये करना है हमें, तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमें क्या निकालना है इसमें, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विच इज P total equals to PCHCl3 PCH2Cl2, ये होगा। अब ये किसके बराबर होता है, PCHCl3 क्लोरोफॉर्म, अभी हम निकाला था मोल फ्रैक्शन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, दोनों के लिए लिख दिया। अब यहाँ पर पहले तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो दोनों के मोल्स को कैलकुलेट कर लिया, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन दोनों के मोल्स को कैलकुलेट कर लिया, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, प्योर कंपोनेंट में वेपर प्रेशर हमको इन दोनों का गिवन है। ठीक है, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर हमने टोटल वेपर प्रेशर निकाल लिया,
ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, द सेकेंड क्वेश्चन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। इन दोनों का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वेपर फेज के लिए क्या फॉर्मूला था, y इक्वल्स टू कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म का हमें वेपर प्रेशर निकालना है, तो इसका प्रेशर कितना है देखो, PCaCl3। अब हम यहाँ पर प्योर फॉर्म में नहीं लेंगे क्योंकि ये हमें सॉल्यूशन में दिया है। ठीक है, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से इसका वेपर प्रेशर निकालेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन से वेपर बनेंगी। तो इसका जो वेपर प्रेशर है इट इज़ 62.4 क्लोरोफॉर्म के लिए, और CH2Cl2 के लिए वेपर प्रेशर है 285.5। तो ये हमारा आ गया CHCl3 के लिए और टोटल के लिए, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। अब दिस इज द मोल फ्रैक्शन, 1 माइनस करके CH2Cl2 के लिए मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, टोटल 1, यानी कि इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा इट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दोनों का 1 के बराबर होगा। अगर ये वैल्यू ये है तो डाईक्लोरोमीथेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस दिस वैल्यू, ठीक है, जो कि ये आई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द राउल्स लॉ जो कि आज हमने पढ़ा है। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट्स होते हैं देन आस्क मी, एंड आई वॉन्ट टू से यू दैट जो भी अभी क्राइसिस चल रही है हमारी कंट्री में, सो फॉलो द रूल्स, डोंट गो आउटसाइड, कर्फ्यू का पालन कीजिए आप लोग, और घर से बाहर मत निकलिए, सेफ रहिए, बुक्स पढ़िए, स्टडीज़ करिए, अपने आप को ग्रूम करिए, इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए अपनी, न्यू वर्ड्स लर्न कीजिए डेली के डेली, और अपने जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, उसके बारे में सोचिए कि आपको वो कैसे गेन करना है, कैसे मिलेगा आपको वो गोल, उसके बारे में थिंक अबाउट करिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्टडीज़, देन प्लीज़ आस्क मी, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। सो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी।